टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेटवर्क कॉलिंग पर लगने वाले इंटरनेट कनेक्ट चार्जेस को जनवरी 2020 से खत्म करने का फैसला टाल दिया है। ट्राई की ओर से IUC को एक साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है और इसे अब 2021 में खत्म किए जाने की बात कही गई है। पहले IUC चार्जेस जनवरी 2020 से खत्म किए जाने थे और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच इसे लेकर मतभेद थे। ट्राई ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि वायरलेस से वायरलेस डोमेस्टिक कॉस्ट के लिए टर्मिनेशन चार्ज 31 दिसंबर 2020 तक पहले की तरह 6 पैसे प्रति मिनट लागू रहेंगे। 1 जनवरी 2021 से वायरलेस टू वायरलेस डोमेस्टिक कॉल्स के लिए 0 हो जाना चाहिए। बता दें कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ने जहां IUC जारी रखने की अपील की थी, वहीं जियो चाहता था कि इसे खत्म किया जाए। तो इसी के साथ जियो को बड़ा झटका लगा है। वोडाफोन और भारतीय एयरटेल के लिए IUC चार्ज जारी रहना अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां चाहती थीं कि इन्हें जारी रखा जाए। रिलायंस जियो चाहता था कि इन चार्जेस को खत्म किया जाए। दरअसल रिलायंस जियो के मुकाबले बाकी नेटवर्क्स पर दूसरे नेटवर्क से आने वाले इनकमिंग कॉल्स ज्यादा हैं। इस तरह जियो को बाकी कंपनियों को ज्यादा IUC चार्ज देना पड़ रहा था। यही वजह है कि अब जियो यूजर्स से IUC चार्ज ले रहा है। अब आपको हम ये बताते हैं कि IUC आखिर है क्या। इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज या फिर IUC ही जियो की कॉलिंग सभी नेटवर्क्स के साथ फ्री न रहने की वजह बनी है। दरअसल एक टेलीकॉम नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए ट्राई की ओर से तय किए गए एक शुल्क का भुगतान कंपनियों को करना पड़ता है। जिस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल की जाती है, उसे नेटवर्क को यह IUC फीस देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर एयरटेल कस्टमर ने किसी जियो कस्टमर को कॉल किया है, तो एयरटेल जियो को इसके लिए IUC चार्ज देगा। वहीं जियो यूजर्स की ओर से एयरटेल के नंबर पर आउटगोइंग कॉल की स्थिति में जियो भी एयरटेल को IUC चार्ज का भुगतान करेगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।